हेलो सर, देखो भाई, अब हो गया भाई हमारा फाइनली क्या हो गया, जैमिंग हो गई है, खाना वाना खा लिया है और बहुत बहुत चीज़ें खाना वाना खाना इतना जल्दी जल्दी में हुआ कि शूट नहीं कर पाया। फिलहाल हम आ गए रेडियो के नीचे रिंकू भाई के साथ, रेड और रेड एकदम फुल कॉम्बिनेशन के साथ। दादा भी हमारे आ गए, मुजम्मिल भाई भी आ गए, टीम आ रही है पूरी। इंजन भाई जा चुके हैं शो पे, क्योंकि एक ही गाड़ी है तो वो वन बाय वन करके ऐसे ऐसे करके शिफ्ट करके ले जा रहे हैं। तो फिलहाल बस हमारा सेकेंड चक्कर अभी मुजम्मिल भाई जाएंगे, तो अब जा रहे हैं हम शो पे। हाँ जी, रंजन और दो चार लोग गए, अब सुधार वाले जो आए होंगे वो चले गए। अब आपके साथ कौन है? अब आपके साथ कौन है? ठीक है, आप जाओ। तो अभी बैठे, अब की बार वाले चक्कर में आप जाओगे। तो बस यही सिर्फ चल रहा है कि अभी फिलहाल सब लोगों को वेन्यू पर पहुँचाया जा रहा है, उसके बाद फिर वहाँ दिखाएंगे साउंड चेक वगैरह जो भी होगा। तो फिलहाल भाई अभी गाड़ी आने वाली है, उसका वेट कर रहे हूँ। और लोग कुछ लोग चले गए, कुछ लोग आने वाले हैं ऊपर से, तो वो सब कुछ चीज़ें हो रही है। देखो धूप क्या गर्म हो यार, इतनी तेज़ गर्मी है यहाँ पर। वैसे दिल्ली में इतनी गर्मी हो रही है, यहाँ तो वैसे भी साउथ में गर्मी पड़ती है, तो फुल ऑन गर्मी है। पसीना देख रहे हो, रुक ही नहीं रहा, तो बहुत ज़्यादा गर्मी। दादा गर्मी ज़्यादा लग रही कि नहीं? गर्मी लग रही है आपको? बहुत ज़्यादा लग रही है। देखो हमारे दादा भी परेशान हो रहे हैं इतने। दिल्ली के मौसम के मुकाबले यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा। हाँ, स्माइली का फ़ोन आ रहा है, जरा ले लूँ फिर बात करता हूँ। ये है हमारा होटल JSN ग्रैंड लग्जरी रूम्स, और यहाँ स्टे है हमारा। तो भाई ये आज का, भाई अभी कल रात से हम यहीं रुके हैं, तो अभी सब लोग जा चुके हैं, मैं अभी कुछ लोग रह गए जिनको लेके भी जाना है। और ये है भाई विजयवाड़ा की गलियाँ, देखो ये ऐसे ऐसे सब कुछ ऑलमोस्ट वैसे ही है। और इधर भी होटल है, ये हमारा होटल है, इधर वो पूरी पीछे गली है, और इस तरफ भी ऐसे कुछ कमर्शियल प्लेस वगैरह है, तो वो सब कुछ चल रहा है यहाँ पर। बस अपनी दुनिया जैसी है, जैसे हमारे यहाँ वैसे ही सब कुछ, कुछ चेंज नहीं है। और फटाफट चलते क्योंकि लेट हो रहा है, अब गाड़ी आने वाली है, गाड़ी जैसे आएगी हम लोग चलेंगे। तो ये है भाई, देखो ये भाई टावर, और ये है सारे यहाँ का व्यू, दिखा दूँ आपको एक बार, एकदम बढ़िया। आंध्र प्रदेश भाई, हम फर्स्ट टाइम आए आंध्र प्रदेश, और ये अपना होटल तो बड़ा खूबसूरत। चलो जी, गाड़ी आती है फिर चलते हैं अपने वेन्यू पे, और लोग जा चुके हैं। तो भाई देखो भाई, ये है हमारा विजयवाड़ा श्रीवास्तव सिल्क, और हम चल दिए भाई वेन्यू के लिए। साउथ इंडियन गाने आपको सुनाई दे ही रहे होंगे। आ गया वेन्यू हमारा, कवर्ड है वैसे तो। हेलो, देखो भाई हम आ गए फाइनली अपने वेन्यू पे, और अभी देखो सब कुछ सेटअप चल रहा है। देखो क्या फाइन और कितना बड़ा और बहुत ही खूबसूरत वेन्यू है ये। देखो ये सारा सिटिंग एरिया है, ऊपर फॉल सीलिंग वगैरह है, इस तरफ का ये वाला एंट्रेंस है, यहाँ साउंड सेटअप है, और ये है हमारी टीम जो कि काम कर रही है। अभी सेटअप चल रहा है, विजय भाई बैठे हैं, मास्टर जी सितार वाले भैया नीचे बैठे हैं, और ये इस तरह का कॉन्सेप्ट है। और ये देखो कितना ह्यूज चल रहा है, और आपको दिखाता हूँ मैं आपको ये सामने का स्टेज क्या बढ़िया है, कितना खूबसूरत। सब लोग अपने कामों में मसरूफ। स्मॉल स्मॉल इसमें अभी सेटअप करते हैं, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट लग गया, सेटवेट हो जाएगा, फिर दिखाते हैं। अभी सितार उतार सब कुछ अपने ट्यूनिंग कर रहे हैं सब लोग, बढ़िया।
भाई ये देखो एंट्री क्या मस्त बढ़िया। और ये क्या है दही रसगुल्ला। और आगे देखता हूँ इसमें एक बोलना जरा मैं यहाँ से एक सेकंड में आ गया बस। समोसा चना चाहिए क्या काजू पनीर समोसा रगड़ा रगड़ा खिलाना भैया एक प्लीज। और यहाँ है भाई क्या है चाट भंडार समथिंग क्या फैंसी पाव भाजी लुक लाइक दिस पाव एंड भाजी वेरी गुड। आज देखो भाई फाइनली हम रेडी होकर आ चुके हैं और अब है स्माइली के साथ और जूस चल रहा है यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं जो कहाँ हैं मुझे आइडिया नहीं है लेकिन फिलहाल हम जूस कर खा रहे हैं। पहला मील है जो हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर देखते हैं अभी क्या है वाटर मेलन जूस है ये देखो ठीक है देखते हैं। जूस ऐसे तो भाई ये है हमारी समोसा रगड़ा चाट और स्माइली आई है भाई हमारा क्या है लिफाफा पनीर वेल लुकिंग सो यम लुकिंग सो नाइस सो यम जस्ट ट्राई इट लिफाफा पनीर दिस इज रगड़ा पेटीज ओके चलो। हाँ तो गाइस देखो अभी फाइनली हम आ गए अंदर अब शो स्टार्ट करने वाले हैं और यहाँ देखो कितना बड़ा हॉल है और कितनी सीटिंग है और यहाँ जो भी कुछ स्पेशल चल रहे हैं यहाँ पर चले सो डन। तो भाई चलो शो स्टार्ट करना है अपना आ रहे यार बोल तो दिया हाथ तो गए साथ में मेरे साथ ही आए थे।
सुबह और आज तारीख है कितनी 22 तो कल का शो एकदम सुपर हिट रहा, एकदम मस्त रहा, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत पसंद आया उन लोगों को। और रात को इतनी ज़्यादा गर्मी थी वहाँ से कि भाई खाना खाने के बाद बिल्कुल शूट करने का मौका नहीं लगा, और एकदम गर्मी के कारण सामान वामान लेके रूम में आ गए, और रूम में भाई इतना ज़्यादा थक गए सब लोग कि सो गए। और अब हो गई है सुबह, विजय भाई एकदम रेडी हो चुके हैं, मैं भी रेडी हो चुका हूँ, टीवी देखे जा रहे हैं। टीवी का ज़रा आवाज़ म्यूट कर दो नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा 2 मिनट के लिए। मास्टर जी वॉशरूम में घुसे हुए हैं, पता नहीं कहाँ है मास्टर जी, जल्दी करो। तो भाई अभी हम लोग रेडी हैं और वेट कर रहे हैं कि जल्दी से मास्टर जी रेडी हों तो हम चलें, क्योंकि ये रूम चेकआउट मारना है मुझे, तो फिर रंजन के रूम में चलते हैं और उसके बाद देखते हैं आगे का क्या प्लानिंग है, क्योंकि आज हमारी 12 बजे की ट्रेन है। तो उससे पहले हमें ब्रेकफास्ट वगैरह करना है नहीं करना है वो हमारे मालिक बताएंगे, यानी कि रंजन सैनी बताएंगे। तो चलते हैं उनके रूम में, फिलहाल तो मास्टर जी तैयार हो रहे, मास्टर जी जल्दी तैयार हो जाओ, तो फटाफट रेडी होकर भी चलते हैं, उसके बाद मिलते हैं, फिर दिखाएंगे हम दिल्ली तक का सफ़र। तो गाइस देखो भाई हम आ चुके हैं कहाँ, अभी आए हैं नाश्ता लेने के लिए होटल से, लेफ्ट में चाय गली के अंदर है, तो यहीं कर लेंगे सब लोग, अभी यहाँ सब लोग नाश्ता कर रहे हैं, दिखाता हूँ होटल का मिल रहा है। 30 रुपये प्लेट, और ये कुछ लिखा हुआ मुझे तो आइडिया नहीं क्या लिखा हुआ, ये है बड़ा विजू, क्या था ये विजू, क्या था ये बड़ा, और ये क्या है कुनगु, और ये कुनगु, अच्छा पढ़ रहे क्या लिखा है ये पुनगु, ये पुनगु है, पुनगु ये पुनगु, मैसूर भज्जी, मैसूर भज्जी पुनगु, हाँ वो गार ले, ये बड़ा बड़ा, हाँ बड़ा गार इसको खाते कैसे, ऐसी मैदा का आटा है, मैदा मैदा से, और ये दाल, ये दाल नहीं है वो इडली का रवा, वो भटूरा भी है, भटूरा ये पूरी है, पूरी गेहूं का आटा, ये किससे खाते हैं ये डायरेक्ट, ऐसे आलू आलू रहता है, आलू आलू सब्जी, ये भटूरा भी, थैंक यू सर, यहाँ है भटूरा आलू की सब्जी के साथ खाएंगे, और ये पुनगु, और ये मैसूर सब्जी, और बोलेगा सॉरी ये पूरे में चटनी आता है, अच्छा चटनी सब में देंगे, अच्छा सब में चटनी देंगे, पूरी में आलू की सब्जी, इनके साथ चटनी मिलेगी हमें, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, लव यू, चटनी ये इसके साथ सब्जी मिलेगी रंजन, आलू की सब्जी, आलू की सब्जी ये देंगे भैया, उसके साथ आलू की सब्जी मिलेगी, चाहे कौन सी भाजी, हाँ वो ओके, वो एक प्लेट में कितने पीस होते हैं, दो आते हैं, ओके सही है, 30 रुपीज़ प्लेट, हाँ भारी है बहन, सही है, अब पुनगु ले लेंगे, पुनगु ले लेंगे, मैसूर भज्जी ले लेंगे, और ये ले लेंगे, जो मिलजुल के खा लेंगे, संदीप को बोला गया इस पे है बुज्जू वो कैसे, और अंदर स्माइली को बुला ले, सबको बुला ले फिर, है ना, और क्या क्या मिल जाएगा, इडली भी है रंजन, इडली भी है। तो गाइस देखो भाई ये है पुनगु और ये है मैसूर भज्जी, जो है यहाँ का बहुत स्पेशल सुबह का नाश्ता, जो कि हम करने वाले हैं और खा के बताते हैं कैसा है, बताओ भाई, तो बढ़िया है, ये दाल का बड़ा बड़ा का कुछ है, और ये कुछ मैदे का बनता है, सही है, तो चलो भाई नाश्ते जैसा ही है तो हम भी खा के ट्राई मारते हैं, ये बंद जैसा है, बंद नहीं होता जैसे, ये वो जैसे हमारे घर में पाव होते हैं ना, ये उस तरह का कुछ है, चाय के साथ मजा आ रहा है, बटर लगा के सफेदी वाला चूना ये कोकोनट लड्डू, और ये क्या है मूंगफली के, हाँ मल्ली, और ये तिल के लड्डू, ये भी खा लूँ, एक ले लूँ, थैंक यू। तो गाइस ये देखो तिल के लड्डू, और विजय खा रहे हैं नारियल के, आधा तोड़ के दे, आधा तोड़ के दिखा, आगे देखिए लड्डू, ये कहाँ का विजय वाला का लड्डू, एकदम बढ़िया नारियल वाला, नारियल का खोपरे का, लड्डू खा, कितने 15 40 55, हाँ कैसा लगा खाना, बढ़िया है, चाय पियो सर, चाय पियो, चाय पियो,
पुनगु खाया आपने और पूरी भाजी खाई है पुनगु, चाय चाय लो। आप सभी लोग भाई देखो यहाँ पर साउथ इंडियन खाने का मजा उड़ा रहे हैं एकदम बढ़िया तरीके से। मज़ा आ रहा है सर, गर्मी में ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना। चलो जी बढ़िया है, नई नई चीज़ें खाने को मिल रही हैं आज है। पूरी भाजी, पुनगु, पाव चाय के साथ। इनको भाई ले लो कोई बात नहीं, चाय और आ गई, सबको मिल गई, यहाँ सबको दे दी। ज़्यादा भी चाय पी रहे हैं, संतोष भाई भी चाय पी रहे हैं। संतोष भाई कैसा है, मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है, चाय राजेश भाई बहुत बढ़िया बनाई है। अच्छा, मुझे पूरी का मज़ा आ रहा है भटूरों में। वाह, हाँ उसका बात ही दूसरी। आप इतनी मोहब्बत है, आप खा रहे हो इतनी प्यार से, चाय ले लो सर। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो भाई मेरी भी चाय आ गई है। चीयर्स। हाँ दादा चीयर्स। हमारे आप चल दादा चाय मज़ेदार आ रही है, मीठी चाय आपको पसंद है? बिस्किट लो, बिस्किट लो, विजयवाड़ा की बिस्किट लो। सर गर्मी बहुत हो रही है, पहले चाय पी कर चुके हैं और अब आए हम यहाँ पर वृंदावन की। ओ वृंदावन की कह रहा हूँ भाई, वृंदावन कॉलोनी शाखा विजयवाड़ा, ये बैंक है और ये है यहाँ पर शिव विला, कोई ऐसा करके कोई पार्टी हॉल है। और हम जा रहे हैं थोड़ा सा वॉक करने, देखते हैं विजयवाड़ा की गलियों में क्या क्या हो रहा है, ये सब कुछ आपको थोड़ा सा। ये देखो भैया यहाँ कितना खूबसूरत लग रहा है ये, और आगे देखते हैं, थोड़ा गर्मी बहुत है यार। ये यहाँ के मेडिकल स्टोर है, जीवन धारा फार्मेसी है भाई। तो ये है भाई यहाँ की मेडिकल स्टोर फार्मेसी। तो देखते रंजन कुछ लेने गया है यहाँ से, क्या ले लूँ, क्या ले लूँ, साड़ियाँ। अच्छा ये सिल्क की साड़ी का शोरूम है, देखो कितना खूबसूरत है, टाइटन आई और ये बहुत सारे आगे मिलेगा, आगे मिलेगा। चलो भाई क्या मिलेगा आगे, लीलन ब्लॉक। चलो भाई ऑक्टोपैड लेफ्ट बोला था, लेफ्ट यहाँ है क्या? ये रहा आगे लिखा था वरुण फार्मेसी, ये जमा का निशान है देखो, हमें समझ में तो आ नहीं रहा लेकिन ये प्लस के निशान से लगता है। हेल्थ सेंटर, अरे यही तो है, यही है इनसे पूछ ले आगे कहाँ मिलेगा। और ये मेडिकल स्टोर, मेडिकल स्टोर यहाँ पे स्टोर, मेडिकल स्टोर पास में आगे चल के बोरा देख, वरुण पूरा वरुण लेफ्ट में जाके बोरा, ये बोर्ड देखो बोरा लेफ्ट में। आए स्माइली आ जाओ, देखो अभी फाइनली आ गए कहाँ, हम आ गए घर पे, नाश्ता वास्ता करके, इतनी ज़्यादा गर्मी में नाश्ता किया कि मास्टर जी को लूज मोशन हो गए, ज़बरदस्त बैठे बड़े शांति से, और सब लोग बैठे वेट कर रहे हैं कि गाड़ी आने वाली है, वो देखो उसको सबसे बहादुर लोग को देखो। और ये हमारे संतोष भाई बहुत ही क्यूट, बहुत ही जॉली। चलो चलो गाड़ी आ चुकी, चल रहे नीचे फटाफट, और उसके बाद हम चल रहे हैं भाई कहाँ, ट्रेन में दुबई स्टेशन चलने वाले, दुबई तो खैर जाने वाले हैं थोड़ी देर में चलेंगे। संतोष भाई हमारे साथ है, बहुत मजा आया। संतोष भाई आई लव यू, आई लव यू, आप बहुत बढ़िया आदमी हो, शाबाश। चलो जी गाइस चलो सामान उतारते हैं नीचे और फटाफट चलते हैं गाड़ी पे, चले रंजन। चलो जी गाइस देखो भाई हम आ चुके हैं कहाँ, अपने रेलवे स्टेशन पे, जो कि है यहाँ का भाई विजयवाड़ा का रेलवे स्टेशन। और देखो कितना सारा सामान है हमारे पास, इतना सारा, अभी तो और भी आने वाला है, जो टेम्पो ड्राइवर पीछे है हमारे पास आने वाले हैं कुछ लोग, वो आ भी रहे हैं, दिखाता हूँ। हम लोग ऑलरेडी पहले आ गए हैं स्माइली यार, बिल्कुल डर्मेटोलॉजिस्ट के एक प्रिकॉशन लेके, बढ़िया एकदम सनस्क्रीन लगा के, कोई स्वेटिंग नहीं हो रही है, हमारे चेहरे पर इतनी स्वेट हो रही है कि पूछो मत। और बाकी लोग आ चुके हैं यहाँ पर, संतोष कुमार इन द हाउस, हेलो हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, मास्टर जी इन द हाउस, टीम सितार इन द हाउस, रिंकू भाई इन द हाउस, तो सब लोग आ चुके हैं फाइनली। अब लोग यहाँ पर दो जगह पीछे रह गए, हाँ अभी और लोग आ रहे हैं, अशोक दादा आ गए, दादा आ गए हमारे सामान बिल्कुल। अरे जब वो ट्रेन आने वाली होगी ना उसको मार्क दिखाएगा, वहाँ चल जाएंगे, जब वो ट्रेन आने वाली होती ना यहाँ डब्बे में दिखाई देता कि बिफोर कहाँ लगेगा, वहीं चलेंगे आराम से, चटाई बिछाओ यहाँ बैठो आराम से, संतो भाई यहाँ बैठो, बैठो बैठो बैठो, ट्रेन नंबर
तो गाइस देखो भाई बढ़िया रेलवे स्टेशन है हमारा विजयवाड़ा का, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, छह नंबर पे ध्रुव आने वाली है, वो छह पे ही आएगी, कृपया बने रहें। चलो जी तो और संतोष भाई आओ जाओ, अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। आओ जाओ, वाह कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी संतोष भाई ने, जी कर रहा अपना गला दबा ला, अपने हाथ से अपना गला अपने हाथ से दबा लूं। हाँ जी, और मुझे मिल भाई सब ठीक है, स्टार टीम आपकी कहाँ है? सब पीछे है? आप ही आ गए हो। हमारे दादा पसीना पोंछते हुए, इतनी इतनी ज़्यादा ठंडी है ना यहाँ पर, लोगों की स्वेटिंग रुकी नहीं रही, बहुत ज़्यादा जबरदस्त। एक ही इंसान यहाँ पर एकदम कूल महसूस कर रहा है, वो है नंबर 44 स्माइली और मिस्टर विजय कुमार त्रिपाठी। ये देखो लाइन वाली एकदम टी शर्ट पहन के, यहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं, क्योंकि इसको आदत है इन चीज़ों की। रूम का एसी बंद कर देता है, रूम के एसी का अगर बंद नहीं कर पा रहा तो टेम्परेचर 30 कर देता है। भैया आपके अंदर हड्डियाँ हैं, आप इतने पतले हो ना विजय, थोड़ा अपने अंदर मांस लगाओ। बहुत गर्मी लग रही, डर्मेटोलॉजिस्ट ने जो दिया है, किसको होना है? एकदम फिट है ये, क्या जिम इंस्ट्रक्टर मैं हूँ। तो भाई गाइस देखो भाई, हम आ चुके हैं कहाँ, सीट पर सेटल हो चुके हैं, सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं और सब कुछ सेटल हो चुका है, एसी कूल कर चुका है पूरे हमारे कैबिन को, तो अच्छा सा मजा आ रहा है। दे दो भाई 29 में यहाँ दे देना है खाना, 29 का खाना यहाँ पे दे देना, 61 का 61 वही तो है रिंकू भाई, ले लो। अरे कोई बात नहीं रख दो, 60 में आप ही हो गया। हाँ तो ले लो भाई, दे दो, दे दो ना, क्या क्या दे दो इनको, दे दो, कोई बात नहीं। हाँ रिंकू भाई 20 में वोट करते हैं। अरे नॉन भाई सुन लो, आप शाम को नॉन वेज कितने लाने और वेज कितने लाने, ये पूछ पेंट्री में भी पूछना पड़ेगा, नॉन वेज इतना वेज का चेंज हो जाएगा नहीं, ठीक है? उसके बाद चेंज क्यों करेंगे, हमें तो मील में डाला नॉन वेज ही है, वेज ही आपको मैं चार्ट दिखाऊं यहाँ पे, क्योंकि वेज कितना है, रंजन का है, स्माइली का है, बाकी सारा नॉन वेज है, मैं बोल दूंगा वहाँ पे इतना नॉन वेज चेंज करना है, ठीक है? बहुत बढ़िया, ये काम कर देना, तो ठीक है, जवाब बोलो, आपकी बात रखेंगे, मैं जवाब दे दूंगा आपको, चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, जो खाना रखा 29 वो ही रखा, बस इतनी बातें आपने सुन ली होंगी। खाना आ चुका है, बहुत बढ़िया, दिखाता हूँ देखो भाई, ये कुछ लिक्विड सा है, लिक्विड फॉर्म में, ये कुछ पनीर है, ये कुछ सैलेड है, ओए ओए गुलाब जामुन, रसगुल्ला और क्लासिक दही, राइस और पराठे, ये सब कुछ चल रहा है। मास्टर जी की प्लेट बंद पड़ी है, खोल ले, देखो भैया की प्लेट है और कुछ वहाँ पड़ी है, और यहाँ बिज्जू बैठा हुआ, भूख लग नहीं रही है, असरफ भाई भी काम के साथ खाना खा रहे हैं, रिंकू भाई भी खाना खा रहे हैं, तो भाई सब कुछ चल रहा है धीरे धीरे, सब अपना धीरे धीरे इंजॉय कर रहे हैं अपने ट्रैवल को। तो भाई अब देखो, अब ये सफ़र शुरू हो गया हमारा एकदम मस्ती वाला, क्योंकि भाई ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा हमें लगता है, बहुत बढ़िया फील होता है। हाँ अभी खा लो भाई खा लो। तो ये चल रहा है भाई हमारे ट्रेन में, सब लोग देखो अपने अपने कैबिन में जाके खाने का लुत्फ उठा रहे हैं, विजय भाई बैठने का लुत्फ उठा रहे हैं, ओ मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ क्योंकि भूख अभी लग नहीं रही है मुझे, और देखो कितना सारा सामान है हमारे पास, कैबिन कितना नीट एंड क्लीन है, थोड़ी देर बाद अभी ये गंदा हो जाएगा, सामान चारों तरफ है, ट्रेन में एकदम कूलिंग भर चुकी है, और आगे दिखाते रहेंगे आपको क्या होगा क्या नहीं होगा, फिलहाल खाने का एंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में।
गाइस देखो भाई, अब बज चुके हैं शाम के 4:15 और जैसे इवनिंग टी का, हाँ दे रहे हो, जैसे इवनिंग टी का मौका है तो अब आ चुका है। देखो पता नहीं क्या क्या है इसके अंदर, ब्रेड है क्या, ये ब्रेड है, ये कुछ कटलेट है, और ये क्या है, चाय, कुछ बतीसा है, ये चाय, और ये क्या है, टमाटो केचप, और ये है भाई लाइट चिवड़ा शाम का, नहीं टोटल भैया 6 है ना, टोटल भैया 6 है ना, 6 रख दे बाबू। हरीश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलो तो सबके पास आ चुका है भाई अपना अपना इवनिंग टी स्नैक्स, और अब हम शुरू करने वाले हैं टी पार्टी। सैंडविच आया, सैंडविच है, ब्रेड पकौड़ा लिखा है, हाँ। और विजय कुमार देखो ओ एज यूजुअल हमेशा धूप में बैठ के खाना खा रहे हैं। ये हमारा ही है ना, 1, 2, 3, 4 हो गया, 4 हो गया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। वो है ना, वो अंकल जी भी, चाचा भी है ना, लाइट अल्लाह। तो गाइस देखो भाई, मास्टर जी की नाप उखड़ गई है, ट्रेन में इनको पता लगा है, तो अभी ये कोई नया ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई देसी इलाज है जो कि मास्टर जी करवा रहे हैं, ये देखो, अरे वाह सही था, बस बस कैसे, ये कोई देसी टोटका है, मास्टर जी की वजह से इनकी जो नाप उखड़ जाती है वो सही हो गई है, बहुत बढ़िया। असरफ भाई ने एकदम हकीम का काम किया है। चलो भाई भाई, कौन सा है, बल्लार शाह, ये स्टेशन है भाई बल्लार शाह, जहाँ भाई हमारी ट्रेन रुक चुकी है, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं, और यहाँ देखो क्लीनिंग वगैरह हो रही है, यहाँ पर ट्रेन की कितनी मस्त बढ़िया तरीके से, और ये देखो ये है बल्लार शाह। देखो अब आ गए हम महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र दायरे में हम फिर खाले पिघल जाए। मॉर्निंग गाइस, हो चुका है नेक्स्ट डे और हम सो के उठ चुके हैं, चेहरे हमारे आप देख ही रहोगे, बहुत खूबसूरत नहीं लग रहे होंगे हम, और देखो सभी लोग बैठे हैं यहाँ पर, संतोष भाई नमस्कार भाई, मॉर्निंग, मेरा चेहरा खूबसूरत लग रहा होगा क्योंकि शेविंग करके नहीं आया। ओके और दिखाता हूँ विजय भाई को, हमारे यहाँ स्माइली बैठी है, वो विजय तो बड़ा स्मार्ट लग रहा है, मास्टर जी भी बैठे हुए हैं, रंजन ऊपर सो रहा है यहाँ पर, और सबके बिस्तर इधर उधर चित्र बिखर हो चुके हैं, क्यों, क्योंकि अब आने वाला हमारा स्टेशन 2-3 घंटे बाद, फिलहाल हमने क्या किया है ग्वालियर क्रॉस किया है, चाय मिल चुकी है, और अभी हम कटलेट के इंतजार में बैठे हैं कि कब वो आए और कब हम खाएं। शोर शराबा बहुत हो रहा होगा, वॉइस क्लियर कम आ रही होगी क्योंकि अभी ट्रैवलिंग में है तो गाड़ी की आवाज़ ज़्यादा तेज आ रही है, वो सब चीज़ें आप मैनेज कर लेना, सॉरी फॉर द एक्सेप्शन। बाकी के लिए भी देखो कटलेट आता दिखाते हैं, वॉशरूम फ्रेश वगैरह हो चुके हैं सब लोग, शोर शराबा बहुत तेज मचा रखा है लोगों ने। संतोष भाई बैठे हैं, नमस्कार, आज के ब्लॉग के लिए सभी का हमारे संतोष भाई बताएंगे स्वागत है, और आज के जो सफर है बड़ा ही बेहतरीन रहा, हमारे राजेश भाई जो ब्लॉग पे अपने एक्टिविटीज क्रिएट करते रहते हैं, और मैं तो इनका ब्लॉग फर्स्ट टाइम देखा, बड़ा मज़ा आया, और मैं भी इस ब्लॉग का एक पार्ट हो गया हूँ, और ऊपर वाले ने चाहे आने वाले टाइम पे ये टोपी आपको नज़र आती रहे, बिल्कुल जी हमेशा साथ रहेंगे, और ये हमारे विजय भाई यार कुछ टेंशन में है जी, विजय भाई मैं दिखाता हूँ, ये विजय भाई का चेहरा देखो, परेशान इसलिए क्योंकि सुबह फ्रेश नहीं हो पाए और ये घर तक ऐसे ही रहेंगे, लाल बटन दबा दिया था, पता होना चाहिए, विजय भाई ने टॉयलेट में लाल बटन दबा दिया था, उनसे बड़ी टेंशन हो गई, रेड बटन नहीं दबाना चाहिए कभी, मैं नहीं तो यही सब चल रहा है सब कुछ, और फुल ऑन मजा आ रहा है, देखो ट्रेन देखो, सब लोग कहीं ना कहीं सो रहे हैं, बिस्तर बिखरे पड़े हैं, यही सब कुछ सुबह के टाइम सबके जगह ऐसे ही होता है, घर में भी ऐसे होता है, बस तो एंजॉय करो भाई लाइफ को, फिलहाल मैं कटलेट के इंतजार करता हूँ, जैसे आएगा तुरंत आपको दिखाऊंगा, उसके बाद खाऊंगा, तो वेट करिए, लव यू ऑल। तीन से चलो इस बार ध्यान से जाना, फिर मिलेंगे जल्दी से, ठीक है, हाँ मास्टर जी, अच्छा तुम्हारे पास
दादा प्रणाम, बहुत बहुत सही जा रहा, आराम से जाना। गुरजू टूल का मेरा टूल सारे टूल बिल्कुल। लाओ लाओ रख दो, लाओ 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 लाओ, बहुत ये है रेल नीर। सामान आ गया सारा दोस्तों, अबे सामान आ गया सारा भाइयों, अपना अपना सामान चेक कर लो। अरे अपना अपना सामान चेक कर लो, मेरा टूल ये रहा, लगेज ये रहा, हैंड सोनी ये रहा, बात खत्म। बिजू है भाई तेरा सामान है सारा, चेक करके देख। चलो फिर, चलो भाई, तो हम कहाँ आ गए, हजरत निजामुद्दीन। अब चलते हैं भाई घर की ओर, इतनी लंबी जर्नी के बाद अब इनको मज़ा आया है, 3 दिन साथ रहे अब इनको मज़ा आया है। क्यों सुंदर भाई, तो वेट करते रहे जब तक बंदे नहीं मिलेंगे भाई, वहाँ से निकल के जाएंगे, मिल के जाएंगे। ठीक है भाई, ओके भाई, संदीप भाई मिलेंगे जल्दी से, लव यू स्माइल। चलो तो भाई मिलते चले जी, उठाएं बोझा अपना। अच्छा दादा प्रणाम, ध्यान से सब कुछ है, ठीक ठाक ले लिया ना आपने, चलो ध्यान से जाना है, सुकून से, अल्लाह हाफिज, मिलते जल्दी से, ले लेंगे इसमें क्या, चलो फिर। तो गाइस देखो भाई, फाइनली आपने देख लिया कि मैं आ चुका हूँ घर पे और नहा धो के एकदम फ्रेश हो गया हूँ, और इतनी गर्मी थी, मतलब वहाँ भी गर्मी थी लेकिन दिल्ली में भी आजकल बहुत गर्मी हो रही है। और मेरा बेटा आ गया देखो मेरे पास, कितने दिनों के बाद, मेरा बाबू, मैं भी देखो दे, पापा है मेरे। हाँ मैं पापा हूँ इनका और ये मेरे बेटे हैं। हाँ। तो गाइस देखो कितने दिनों के बाद मेरे बेटे के पास मिले हैं भाई, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा बेटा भी, मेरा बाबू। और पापा को ना मैंने विश भी किया था। क्या किया था आपने, विश बोलो, क्या कहा आपने, क्या विश किया था आपको, किया था विश आप, आपके लिए मटर पोटली और समोसे, पकौड़ी और हरी चटनी और तीखी चटनी। ओह देखा कितनी सारी चीजें बनाई थी। तो गाइस देखो भाई, अब हम आ गए घर पे और बहुत ज्यादा गर्मी के बाद, नहा धोने के बाद फिट हो गए, यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है और अब खाना खाने का टाइम हो रहा है क्योंकि बड़े दिन हो गए अपने घर का खाना खाए हुए। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ लेकिन जो घर के खाने की बात होती है ना, वैसा मज़ा कहीं नहीं मिल सकता। ये लो, आप लोग भी एग्री करते होंगे मुझे पता, अबे गधे ठीक है। तो भाई चलो भाई देखो खाना, आज गुड़िया ने बहुत स्पेशल खाना बनाया, देखते हैं, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि भूख लग रही है, बड़े दिनों बाद घर का खाना खाएंगे बाहर। तो अच्छा वहाँ आंध्र प्रदेश में क्या इडली सांभर नहीं मिल रहा था, इडली डोसा और इसी से चावल, मतलब मोस्टली चावल की डिश मिल रही थी वहाँ पर, और डोसे के अंदर मसाला डोसा नहीं मिला, प्लेन डोसा मिला। फिर हमने और भी चीज़ें खाई, वो दाल वड़ा खाया, मैसूर वड़ा खाया, और वो पिंगलू ऐसे कुछ करके था समथिंग, वो भी मैं आपको वीडियो में डालने वाला हूँ, वो देख लेना, देखा होगा। तो वो सब चीज़ें दिखाई, चुप रह गए थे, हाँ पहले पहले वो बात करने थे। तो फिर ये सब चीज़ें हो गई और खाना दिखाता हूँ, देखो अभी खाना क्या खाने वाले हम। देखो ये है हमारे छोले बटर के साथ, चावल जीरा चावल, और ये है देखो भाई फूले फूले भटूरे बड़े हुए, और ये सैलेट, और ये है भाई देखो गुड़िया और लाइए एकदम गर्मा गर्म भटूरे। देखो भाई तो भाई ये चीज़ मिस कर रहे थे हम घर पे, और वहाँ आंध्र प्रदेश में, क्योंकि भाई घर की खाने की बात अलग ही होती है, आप लोग भी करते हैं। तो फिर चलो ये फाइनली आप लोगों ने वीडियो देखी होगा, आप लोगों को मज़ा आया होगा। खाना देखो, खाना देख के तो मेरे से रुका नहीं जा रहा, तो मैं खाना शुरू करता हूँ। गुड़िया ने बहुत मेहनत करके स्पेशल खाना बनाया, कितने दिनों के बाद मैं आया हूँ तो ये आज स्पेशल खाना बनेगा। तो भाई ये खाना शुरू हो गया, और ये इनको देखो जी, और मुझे देखो बटन बंद कर रहा हूँ। अच्छा करो, आप देखते रहिए, अरे करो। फाइनली देखो भाई आप लोग, आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा सारे ट्रैवल का, हमें भी बहुत नए एक्सपीरियंस मिले। बस का भी ट्रैवल किया, ट्रेन का ट्रैवल किया, और फ्लाइट की भी ट्रैवल किए, तो हमने एक ही जर्नी में कितने सारे ट्रैवल जो टाइप होते हैं वो हमने उसके अंदर एक्सप्लोर किए भाई। बस के अंदर भी गए, ट्रेन में भी गया, और फ्लाइट में, और जो ऑटो रिक्शा और ये सब कुछ हमने वहाँ पर कुछ बहुत नई चीज़ें सीखी, बहुत सी नई चीज़ें हमने सीखने को मिली, बहुत अच्छा लगा। अच्छा वहाँ पर प्रोग्राम इतना बढ़िया हुआ, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा लगा उनको। मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम कभी और भी जाना हो तो फिर ज़रूर मिलेंगे। तो भाई नया शहर था, नई नई जगह, नए लोग थे, बहुत मज़ा आया। तो फिलहाल तो
मैं खाना खाना शुरू करता हूँ और इस ब्लॉग को करते हैं एंड यहीं। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो भाई लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय एंड गुड बाय।